सर ऑन लास्ट डेट सर नोटिसेस वर इशूड ऑन डिले मतलब क्या पॉइंट है? सर इसमें हमने कहा है कि जो दावा इन्होंने द सूट फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट इज बार्ड बाय लिमिटेशन बिकॉज दिस लिटिगेशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 23 ईयर्स एंड द सेल डीड इज ऑफ ईयर 2000 सॉरी द सेल डीड इज ऑफ ईयर 1994 And they've instituted the suit for cancellation of that sale deed in year, काय का दावा है? sir, for declaring the sale deed null and void. अच्छा और फिर क्या? 2020 में इन्होंने दावा लगाया सेल डीड जो 94 की है उसको चैलेंज कर. सेल डीड है? सेल डीड सर नहीं। मेरे जी सर आई हैव अ हम्बल प्रेयर माय लॉर्ड बिकॉज देर आर नंबर ऑफ लिटिगेशंस आई हैव फाइल्ड ऑल दोज लिटिग आई विल प्रिपेयर अ सिनॉप्सिस माय लॉर्ड कैन इट बी टेकन ऑन मंडे माय लॉर्ड हाँ कोई बात नहीं, लगी ले लेते हैं। थोड़ा सा तो बताइए, जी मंडे के जी काम में आ जाएगा। जी एक्चुअली सर मुझे डेट्स पूरी कंफर्म नहीं थोड़ा इसलिए नहीं पॉइंट तो तो मैं समझ आपको रहा है। एक मिनट, क्या? एक जी मिनट, जी कई सर बार द कोर्ट कोर्ट हैज आई हैव फाइल्ड में साइन इसे आ गया, बाया रामलाल है जी ना, सर इसके बच्चे महेंद्र राजकुमारी, सरदार रतन सिंह। सेल डीड किसने किए? किसने सर द सेल डीड इज एट पेज किसने किसके पक्ष में किए? जस्ट माय लॉर्ड इट इज जसबीर सिंह इन फेवर ऑफ बेस सॉरी रतन लाल हैज एग्जीक्यूटेड अ सेल डीड इन फेवर ऑफ जसबीर सिंह सेल डीड इज एट पेज 27 P2 अच्छा इट इज डेटेड 16 अगस्त 1994 जसबीर सर सिंह, फर्स्ट रतन पेज पे सिंह। बेचने वाला रतन सिंह खरीददार जसबीर सिंह इन लोगों ने दावा क्यों लगाया? जैसे आबादीगढ़ है, किनके? सर ये उनके पुत्र हैं सर अपना रतन सिंह के रतन सिंह का कौन पुत्र है? सर आई जस्ट कम बेचने वाला रतन सिंह है, खरीदने वाला जसवीर सिंह। जी सर द प्लेंट इज एट एनेक्सर A1 रतन सिंह ने बेचा जसवीर सिंह को, जी ये दावा लगाया है रामलाल ने। रामलाल ने अंडर विच राइट्स रामलाल हैज इंस्टीट्यूटेड सूट्स मैडम? सर ही हैव फाइल्ड दिस सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ परमानेंट इंजंक्शन। अंडर विच राइट्स? अंडर सर व्हाट राइट्स हैं? सर सक्सेशन, द सूट प्रॉपर्टी बिलोंग टू हिज फादर। थ्रू होम? फादर का नाम क्या है? सर हिज फादर नेम इज राजा, राजा। राजू पवार राजू। और राजा मान लेते हैं, एक ही बात है। राजू राजा अलग अलग नहीं होता। तो ये प्रॉपर्टी राजा की थी, तो ये बेचने वाले, आपका कहना है कि ये रतन सिंह को कोई राइट ही नहीं था बेचने का? यस माय लॉर्ड, व्हाट हैज हैपेंड इन दिस केसेस? रतन सिंह का राजा से कोई संबंध है? नो माय लॉर्ड, माय कहाँ है प्लीडिंग आपकी, बताइए। प्लीडिंग इज हाँ मिस्टर चौधरी, ये तो सर बिल्कुल ही अलग केस हो जाएगा, इसमें लिमिटेशन का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ये देखिए, लिमिटेशन का क्वेश्चन इसमें, वैसे अभी मैं बढ़ा रहा हूँ इसको, आप जी परेशान सर ना हो। सर सर नहीं नहीं सर मैं एक्चुअली लेकिन फैक्चुअली ये यू आर राइट, इफ इफ द लिमिटेशन क्वेश्चन इज देयर, तो लिमिटेशन क्वेश्चन विल कम इन द केस व्हेन दिस रामलाल और महेंद्र और राजकुमारी विल क्लेम थ्रू राजा। इफ राजा इज क्लेमिंग इंडिपेंडेंट राइट, सेइंग दैट दैट रामलाल वाज नॉट हैविंग एनी राइट ओवर द प्रॉपर्टी एंड ही हैड एग्जीक्यूटेड द प्रॉपर्टी ऑफ राजा, देन द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन कैन नॉट कम, एंड एट द स्टेज ऑफ 7-11 इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एट ऑल। ऐसा मेरा सोचना है, यदि आपको। डेफिनेटली आई एम ऑल्सो ऑफ दैट व्यू माई लॉर्ड बट वॉट हैज हैपेंड ड्यूरिंग प्रीवियस सूट्स वर ऑल्सो फाइल्ड ऑन द सेम इशू हु एट पेज 48 पर फाइल्ड? एंड दिस सेल डीड वॉज टेस्टेड बिफोर अ ट्रायल हु कोर्ट एट फाइल्ड? माई हु लॉर्ड आई फाइल्ड? जस्ट माई लॉर्ड ये इट तो वॉज रतन इंस्टीट्यूटेड बाय सरदार सिंह रतन सिंह सिंह वही जिसके फेवर में है, एंड रामलाल वॉज अ पार्टी डिफेंडेंट वो नंबर फोर तो आपने बना दिया उसको, उस दावे का क्या हुआ? सर इन दैट कॉम्प्रोमाइज टेकन प्लेस बिटवीन द पार्टीज क्या सर द कॉम्प्रोमाइज
अब क्वेश्चन ये आता है वेदर एट द स्टेज ऑफ 7-11 डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय यू कैन बी सीन, तो ये सारी चीजें आपकी वहां तो हो सकती हैं सिविल सूट में, क्या 7-11 में ये सारे दस्तावेज? सर ये फैक्ट अनडिस्प्यूटेड है क्योंकि ये सूट में भी लिखे हुए हैं। चलो सेल डीड में, उसमें दावे में क्या हुआ? सर उसमें कॉम्प्रोमाइज हो गया, क्या वो मतलब इट वाज बोथ द पार्टीज एंटर्ड इनटू द कॉम्प्रोमाइज एंड दैट सूट वाज विथड्रॉन एंड दैट सेल डीड वाज अपहेल्ड। Therefore, what I say, which is already been adjudicated by a court, now it cannot be reopened in the subsequent suit by another party. So, ये सब 7-11 में limitation के question में देखा जा सकता है कि एक प्रश्न बार-बार भर बन गया। Sir, I will place that latest judgment. Judgment से कुछ नहीं होता। जजमेंट तो सन 77 का भी है एक जजमेंट, वो कहता है कि 7-11 में कि साहब इट इज डेंजरस टू बी टू गुड, इट इज डेंजरस टू बी टू गुड, 77 के सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है वो, इसलिए कि हर केस को एडमिट करना ठीक नहीं है जी। इसका आशय ये है, इट इज डेंजरस टू बी टू गुड, बहुत अच्छा होना ठीक नहीं है। सर नॉर्मली लिमिटेशन पॉइंट इसीलिए कहा गया था 7-11 को 77 में भी कि यदि दावा खारिज होने योग्य तो कर दो जी जी। My lord, that has been recreated in this latest judgment. नहीं, मेरा कहना ये है कि वो judgment हर जगह नहीं लगेगा, थोड़ी facts तो हों वैसे, तो देख लीजिए आप। And I will ascertain कि ये document वहाँ plain के part है कि नहीं। 7-11 में जो करना है कर लो आप, लेकिन हर चीज नहीं देखी जा सकती। Limitation का question तभी clear है जब जब दावे को देखने मात्र से limitation का question हो। जी 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 जी। Otherwise limitation का question नहीं हो सकता। जी। My lord, in short. What is the matter? Well, it's our brother, Raja's brother, Naga Rao, executed a sale deed with respect to Khasra number 239, part 2, to Ratan Singh, my lords. Now, I have filed this suit with regards to 239/1. Now, the sale deed which has taken place towards them is 239/2, but they have fraudulently mutated their name with respect to both the properties. इसीलिए 7-11 में ये सब नहीं देखा जा सकता। yes, आप देख सकते हैं, आपने जो दावे में लिख दिया उतना देखना पड़ेगा। यदि ये राजा का लड़का होता या राजा रतनलाल का लड़का होता तो आपकी बात पे विचार करने के लिए पन्ना पलटते, अभी तो कोई नहीं दिख रहा। चलिए कन्विंस नहीं, आप खुद कन्विंस हो लीजिए और आप कन्विंस हो जाए तो बहस करिएगा, हो सकता है आप खुद ही कन्विंस ना हो। जी जी।